नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, डिस्कस करेंगे हम आगे लेटर ऑन इस वीडियो में, जो अभी आजकल यंग एज के जो बच्चे हैं या जो यंग एज के पीपल हैं उनमें भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब 12-13 साल के बाद जब बच्चा 10th क्लास में या 12th में या बोर्ड एग्जामिनेशन के चक्कर में जो आता है, और या किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, एंग्जाइटी। ठीक है, एंग्जाइटी मतलब एक तरीके से जैसे जैसे घबराहट जैसी चीजें कई बार अचानक से कोई होने लगते हैं, कई बार पैनिक अटैक इसमें देखने को मिलता है। तो अगर ये कंडीशन केवल एग्जामिनेशन के टाइम ही है या एग्जाम की वजह से है तो वो टेम्परेरी होती है, वो कुछ दिन बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज होती हैं वैसे वैसे ये एंग्जाइटी का जो पीरियड है ये भी ओवर द टाइम धीरे धीरे कम होता चला जाता है। लेकिन ये कंटिन्यूस अगर होता रहेगा, कंटिन्यूस चीजें ये हैपनिंग होती रहेगी, तो ये धीरे 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 सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे एक तरीके से दिमाग में ये घर कर जाएगा, और फिर ये कंटिन्यू छोटी छोटी चीजों पे एंग्जाइटी जो है वो होने लगेगी। कुछ लोगों को फिर मैच देखते हुए भी, क्रिकेट मैच में कोई कहीं कोई क्लोज फाइट देखने को मिल रही है वहां पे, या कहीं कोई आपस में कोई आर्ग्यूमेंट कोई बहस किसी में हो जाए तो उसको देख के भी, कई बार कोई मूवी ऐसी देख रहे हैं जिसमें थोड़ा सीरियस कंसर्न देखने को मिल रहा है, तो वहां पे भी ये चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। ये सारी कंडीशन अगर आप एक पीरियड में देखने को मिल रही है उसके बाद फिर ठीक हो जा रही है तो फिर ये कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बार बार देखने को मिल रही है यंग एज में या किसी भी एज में, तो फिर ये कंसर्न सीरियस कंसर्न है और इस पर अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट हो जाने के लिए इसका ट्रीटमेंट हमें कर देना चाहिए। तो ये आज का मैं ट्रीटमेंट अब इसमें बताने वाला हूँ, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नीचे लाइक का बटन होता है उसको वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो एंग्जाइटी की हम बात कर रहे थे, ये एक एक टाइप का महामारी जैसे बनता जा रहा है। आप देखेंगे अगर अगर यंग बच्चों में भी आप ऐसे ऑफिस गोइंग जो पीपल हैं, ठीक है, उन सब लोगों में भी आप जाएंगे, इवन मैं बोलूंगा कि अराउंड 40 के आसपास भी जाके एंग्जाइटी काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पे मेंटल प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लस फिर जो काम वो करते हैं, वो कोई बिजनेस करते हैं या फिर कहीं ऑफिस गोइंग वो पीपल हैं या कहीं काम करते हैं, तो उसका प्रेशर भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर 9th 10th 11th 12th इन बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जहाँ पे कई बार बेहोशी जैसी कंडीशन भी बच्चों में जो है वो देखी गई है। तो सबसे पहला तो यही है कि प्रेशर को साइड में रखा जाए, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया जाए, मतलब ऐसी चीज़ें लाइफ में ऐड की जाए जिससे स्ट्रेस लेवल को डाउन किया जाए। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में हम क्या दे सकते हैं। तो होम्योपैथी एक ऐसा वे ऑफ ट्रीटमेंट है, ऐसा वे ऑफ मेथड है जिसमें नेचुरली चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, और कंटिन्यूअस चीज़ों को देखने के बाद में आप देखेंगे कि बिना किसी साइड इफेक्ट के हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो मेडिसिन एंग्जाइटी को या डिप्रेशन जैसी चीज़ों को डाउन करने के लिए यूज की जाती है, उनसे फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर डाउन लो होने की प्रॉब्लम मिल सकती है, किसी को माइग्रेन की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाएगी, किसी को डायबिटीज, ऐसी भी रेमेडी है जैसे प्रोपेरानोलोल हो गया, जैसे बीटा ब्लॉकर हैं जो एंग्जायटी को डाउन करने के लिए यूज किए जाते हैं, और जो फिर कहीं ना कहीं हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल को डीएक्टिवेट कर देते हैं, और डीएक्टिवेट मतलब उसको डाउन कर देते हैं, और फिर वहां से इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, या फिर ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट कर देते हैं कि
बॉडी उस इंसुलिन को उतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाती जैसे करना चाहिए। तो होलिस्टिक ट्रीटमेंट की तरफ अगर आप जाएंगे तो एंग्जाइटी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट एंग्जाइटी का अवेलेबल है। होम्योपैथी की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी एक ऐसी पैथी है जिसमें नेचुरली केवल प्लांट बेस्ड मेडिसिन से इसको ट्रीट किया जा सकता है। दोनों मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले अगर मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करूं तो मैं उसी टाइप का ट्रीटमेंट बताऊंगा जो लगभग इन जनरल लगभग सभी पेशेंट में जो है वो रिलीफ करता है। और यहाँ मेरे पास कुछ रेमेडी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर किसी को नॉर्मल एग्जाम की वजह से एंग्जाइटी होती है, एग्जाम में परफॉर्मेंस की एग्जाइटी हो गई या कुछ भी ऐसा है, तो आप एकोनाइट एक रेमेडी आती है, एकोनाइट 30 की, दो दो बूंद जीभ पे सीधा दिन में 3 बार आप लेंगे उस पीरियड में जिस पीरियड आपको हो रहा है, तो एकदम से जो एंग्जाइटी आई है किसी भी वजह से, एग्जाम की या किसी भी फियर की वजह से, वो ठीक हो जाएगा। ये अच्छी रेमेडी है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। इसके अलावा दूसरी एक और रेमेडी है जो सभी को दी जा सकती है, वो बैच फ्लावर रेमेडी है और उसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी भी 30 पावर में आप लेके आएंगे, उसकी भी दो दो बूंदे सुबह दोपहर शाम जीभ पे सीधी डालनी है, और किसी भी टाइप की एंग्जाइटी में किसी भी वजह से हो जाए उसको ये रिलीफ प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छी रेमेडी है। मैं बोलता हूँ कि 100 10 बाय 10 100% रिजल्ट इस रेमेडी के हैं। कोई इस रेमेडी को लेने के बाद ये कभी नहीं बोलेगा कि उसकी एंग्जाइटी में उसको आराम नहीं हुआ। ऐसी पेटेंट टाइप की रेमेडी आप इसको मान सकते हैं। थर्ड है रेमेडी जो मेंटल स्ट्रेस को कम करती है, रिलैक्स बढ़ाती है, कामनेस क्रिएट करती है, वो है बायोकेमिक रेमेडी कालीफोस। कालीफोस 6x की चार चार गोली दिन में 3 बार देनी है, सुबह दोपहर शाम, ऐसे ही मुंह में चार गोली डाल के चूस लेनी है। ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है, बच्चों को गोली में ही दें, गोली वाली तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर बड़े हैं और काफी क्रोनिक लग रही है फिर आप इसको बायोकेमिक में ना लगे, फिर होम्योपैथी फॉर्मेशन में आपको लेना है। और फिर आपको 200 पोटेंसी की जो मेडिसिन है कालीफोस वो लेके आनी है, उसकी दो ड्रॉप जीभ पे डाल के आपको रात को डालनी है और फिर सो जाना है, उससे भी काफी एंग्जायटी जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी तीन मैंने आपको बताई है जो मैक्सिमम टाइप की एंग्जायटी को, किसी भी टाइप की एंग्जियस पर्सनैलिटी हो बन गई है उसको ये ठीक कर देता है और बहुत अच्छी रेमेडी है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो जिसमें कोई केमिकल का यूज नहीं है। अभी जो हमने देखा इसमें कालीफोस एक टाइप का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में केवल पेड़ पौधों से आधारित पैथी है और ये 100% नेचुरल है। और मैं बोलूंगा कि केवल 100% नेचुरल पैथी अगर कोई है तो वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी मेडिसिन आपको किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फिजिशियन लगभग हर शहर में अवेलेबल है अब तो, और आप थोड़ा सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। अदरवाइज जो होम्योपैथी स्टोर है मैक्सिमम वो भी अब इलेक्ट्रोमोपैथी रेमेडी रखने लगे, आप चाहें तो वहां से भी जाके इसको ले सकते हैं। और इसका जो असर है वो बहुत तेज होता है, वो बहुत फास्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो रेमेडी है वो आपको लेनी है, एक रेमेडी इसमें आती है L2, L2 का यूज करना है आपको, और L2 के साथ इसमें WE एक रेमेडी ऐड करनी है आपको, ऐसे ही बोलना जाके L2 और WE, ठीक है। L2 WE को आपको इसको D6 में प्रिपेयर कराना है। D6 में प्रिपेयर कराने के बाद में इसमें दो ड्रॉप S2 की डाल देनी है 30 ml में, ठीक है। L2 WE 30 ml को D6 में प्रिपेयर करा के डाइल्यूशन 6 में या थर्ड डाइल्यूशन में या पोटेंसी जैसे भी आप बोले, मैं तो D6 क्योंकि 1:9 का रेशो वाली बात है, D6 में प्रिपेयर करा के दो ड्रॉप उसमें S2 की डाल देनी। ये भी इलेक्ट्रोमोपैथी रेमेडी है। इसको खाना खाने के पहले दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर और शाम, ठीक है। ऐसे ही एक रेमेडी आती है S10, S10 VAR1 F1 और Y, S10 VAR1 F1 एंड Y, ये चार रेमेडी को D6 में बना के खाना खाने के बाद लेना है दिन में 3 बार, 10 10 बूंदे दिन में 3 बार लेनी है, ये भी आधे कप पानी में डाल के ऐसे ही जैसे सेम होती है ऐसे ये लेनी है। इसके अलावा एक और आप वहां से मेडिसिन बनाएंगे, प्रिपरेशन कराएंगे थोड़ा सा, उसमें आप उनको बोलेंगे कि भाई एक्सटर्नल एप्लीकेशन बनाना है जिसमें WE एक रेमेडी होती है, WE और F2 या F1 कर लें, F1 करेंगे, अगर हेडेक भी रहता है तो F2 कर सकते हैं, अदरवाइज F1 और WE। इसको D4 में एक मिक्सचर बना लेना है और उसको अपने यहाँ माथे पे अप्लाई करना है,
ठीक है, रात को तो करना ही, अगर 2 बार कर सके तो ज्यादा अच्छा है। ये भी एंग्जायटी डिसऑर्डर को, एंग्जायटी को कम्प्लीटली क्योर कर देगी। बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत पेशेंट पे मैंने ये दोनों ही तरीके के ट्रीटमेंट को फॉलो किया है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसका इन रेमेडीज का यूज करिए और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है नीचे कि होम्योपैथी का कौन सा प्रिस्क्रिप्शन है, इलेक्ट्रोम्योपैथी का कौन सा प्रिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको किसी होम्योपैथी स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये एंग्जाइटी पे वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है उसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।